सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद ऑल न्यू GoPro Hero 9। आज का पूरा व्लॉग होने वाला है अपने नए कैमरा से, जो है GoPro Hero 9। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी भी अपलोड किया था कि GoPro 9 आ चुका है, अब आएगा क्वालिटी कंटेंट। तो आई होप आप सब जानते होंगे कि आज है सैटरडे, दैट इज़ 4th of December, और आज वो दिन है जिसके लिए सारे बाइकर्स पिछले 2 साल से रुके थे। इट्स द डे 1 ऑफ इंडिया बाइक वीक, दैट इज़ IBW। अभी मैं निकला हूँ वसई से और मेरे साथ में है मेलेनी, और हमें ज्वाइन करने वाले हैं खुशी और केयूर, जो हमें मिलेंगे नेशनल पार्क पे। तो बिना किसी स्टॉप के जाते हैं सीधा नेशनल पार्क। एक्चुअली थोड़ा जो है चाय पीने का मन था, बट कोई बात नहीं, ऑलरेडी लेट हो रहा है, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, और हमें बाकी लोगों को 7 बजे तक जो है ओबरॉय मॉल के यहाँ पे मिलना है, जो मलाड में है, मलाड ईस्ट में, मलाड या गोरेगांव पड़ता है गेस वो। गुड मॉर्निंग भाई, हाईवे पे, हाईवे नेशनल पार्क पहुँच रहा हूँ मैं। 20 मिनट में नेशनल पार्क पहुँच रहा हूँ, 20 से 25 मिनट में। 5 नंबर का अपना जो स्काई वॉक है ना, उसके नीचे ही मिल, अपोजिट साइड में, वही अपना हाईवे पे उसका के नीचे मिल, हम लोग आगे ही मिलते हैं। पेट्रोल हो गया फुल, जाते हैं। हेलो, केयूर मार दो हमको, हमारा बोटी बोटी कर दो। जिक्सर 250, RC 390, रॉयल एनफील्ड 350, और पीछे अपनी R15 V3। चलो फिर अब जाते हैं आगे ओबरॉय मॉल। ओबरॉय मॉल के ब्रिज के यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं मेलेनी के और भी फ्रेंड्स, रितिका और भी उसके फ्रेंड्स हैं। देखो और भी लोग जा रहे हैं IBW के लिए। चलो चलो चले चलो चले IBW। तो गाइस हल्का सा शायद आपको एंगल में इशू आएगा, सीन ये है कि मैंने जो चिन माउंट लगाया उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 माउंट और ऐड करने होंगे, 2 फिंगर माउंट और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके उसका एंगल थोड़ा ठीक होगा। बिकॉज जब मैं अपना GoPro लगा के उसको पीछे कर रहा हूँ तो पीछे वो टच हो रहा है। एक्चुअली यूलानसी का जो केस है वो चिन माउंट में टच हो रहा है और वो ज़्यादा पीछे नहीं आ पा रहा, तो इसके लिए शायद एंगल आपको थोड़ा नीचे नीचे दिखे। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे अपन, रास्ते में कोई हार्डवेयर का शॉप मिलेगा तो वहाँ पे अपन जो है एक नट बोल्ट ले लेंगे, तो अपना काम इजी हो जाएगा। एक्चुअली भाई ये नेशनल हाईवे देख रहे हो तुम, अति उत्तम बना रखा है, अति उत्तम। और गाइस मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि साउंड प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है क्या नहीं, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अभी GoPro माउंट करके जो है बाइक चला रहा हूँ। मैंने अभी तक इसका टेस्ट भी नहीं किया है बिकॉज टाइम ही नहीं था, कल मैं वर्किंग था फ्राइडे को, तो काम वगैरह किया, फिर उसके बाद में मैं तो सोया भी नहीं हूँ। काम ख़त्म होने के बाद मैं चार बजे के आसपास नहाने गया हूँ, नहा धो के जो है अभी सब रेडी वेडी होके 6 बजे तक जो हम घर से निकले, 6 भी नहीं एक्चुअली, थोड़ा जल्दी निकल गया था वैसे तो, 6:45 तक मैं जो है घर से निकल गया था, तो थोड़ा स्केड्यूल ऐसे ही था अपना। भाई ट्रैफिक तो बहुत है यहाँ पे, अब यहीं कहीं मिलेंगे, यहीं कहीं मिलेंगे बाकी सारे लोग। तो वेयर बेबी, वेयर टू क्रॉस दैट,
We have to cross signal. Come. ये ना एक मस्त चीज़ देखो, जरा जरा स्टार्ट कर, क्या था वो? नहीं नहीं करना करना, ये देख रहे हो इनके लेक्चर चालू है और यहाँ पे बाइक चला रहे हो। वाओ, एक काम कर, पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगा ले और उसमें है थोड़ा VFX वगैरह करके घर का बता दे। टीचर भी बोले कि हेलमेट पहन के क्यों बैठी है बेटा घर में, टैलेंट है यार आजकल। तो गाइस चलो, अब फाइनली रितिका भी आ गई है और सारे रेडी, अब निकलते हैं सीधा एमबी वैली के लिए। बट सीन ये कि थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि हमने किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है और ब्रेकफास्ट के लिए रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो देखते हैं कहीं पे कोई सही जगह। हम पेट्रोल पंप पे थोड़ा एक बार एयर चेक कर लेते हैं, एयर प्रेशर, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी आप हाईवे राइड कर रहे हो या फिर नॉर्मली भी अगर सिटी में भी राइड कर रहे हो तो आपको एयर प्रेशर जो है वो चेक करते रहना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आपको ब्रेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको परफॉर्मेंस भी बाइक अच्छा देगी, आपका माइलेज भी कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट नहीं होगा और आपको बैलेंसिंग भी जो है अच्छी मिलती है। सो इसीलिए एयर प्रेशर चेक करवा लेते हैं, अगर कम हो तो भरवा लेंगे। देखने ऐसा माहौल है यहाँ पे यार, बाइकिंग की ना बेस्ट बात मुझे यही लगती है, जब बहुत सारे बाइकर्स एक साथ में मिलते हैं मज़ा सा आ जाता है। हो, क्या बात। पीछे गिरा ना, अच्छा गया है वो लेने, मैं उसको हाथ तो दिखाया था वैसे। भाई 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 भाई, क्या ही व्यू आ रहा है, क्या ही व्यू। थोड़ा भगाते भाई,
तो फाइनली यहाँ का टोल क्रॉस हो गया है और हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं लोनावला। तो एक मस्त वाला स्ट्रेच है, सीधा सीधा रास्ता। और भाई ये देखो, अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच हो गया है। और अब मैं बैठा हूँ मेलेनी के पीछे एनफील्ड पे। हेलो हेलो, मेलेनी के पीछे बैठा हूँ एनफील्ड पे और मेरी बाइक चला रहे हैं क्षितिज भाई। यहाँ से पहले जाएंगे होटल, होटल पे आके सब सामान वामान रखेंगे और फिर जाते हैं IBW। कॉर्नरिंग कर मैं देखा ना, नींद आ रही थी, मैं सो रहा था मस्त पीछे, सो रहा था मैं उधर पीछे बैठे बैठे, जैसे मैं देखा ना घाट आ गया, मैंने भाई भाई कॉर्नरिंग करने का। तो गाइस आ गए हैं हम अपने एस पे, गोप्रो की बैटरी 19% है, आई होप होटल पहुंच जाए। कॉर्नरिंग करना था, हम होटल रूम पहुंच चुके हैं अब और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। इस वीडियो को करते यहीं पर एंड। अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो IBW नहीं अटेंड कर पाए, ताकि उनको भी जो है नेक्स्ट वीडियो का एक्सपीरियंस मिले। और मिलते हैं आपको इसके part 2 में। टिल देन स्टे सेफ एंड वॉच रियल कॉन्टेंट। Nothing can stop me, I'm all the way up.